शालोम, शालोम, शालोम प्रभु मसीह नासरी के नाम में निरंतर हम पवित्र शास्त्र के वचन जो हमें सचेत कर रहे हैं सीखते जा रहे हैं कम से कम सुनते तो जा रहे हैं और सचेत हो रहे हैं पवित्र आत्मा हमें उन सब बातों में जो छिपी हुई हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं कि इनसे हम बच जाएं इन बातों को हम समझ लें उनमें से हम एक देखेंगे वैसे हम शुरू करते हैं होशिये नबी की किताब होशिया उद्धार को दिखाता है और उसका हम चौदह अध्याय उसका और नवा पद जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझेगा क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें से चल चलते रहेंगे परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे इस तरह इस अध्याय का अंत होशे नबी ने अपना समापन इस तरह से हमें और इन्हीं बातों को कि आज हम एक विशेष हिस्से को जाने जो निकट भविष्य में इतना खतरनाक होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते और अभी भी समझ में नहीं आ रही वास्तव में देखा जाए तो अभी भी इस बात की समझ पूरी तरह मसीही जगत नहीं समझ पाया है इस दशा दिशा में ध्यान ही नहीं दिया गया है और वो बात है जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग की भाषा की बात भाषा भेद परमेश्वर ने क्यों डाला इस बात की समझ आपको आज के वातावरण में आज के समय में आज के युग में जो घटित हो रहा है उससे आप बहुत आराम से समझ सकते हैं इस बात को हमें धन्यवाद करना चाहिए पवित्र आत्मा का कि जिन बातों पे हमारी नज़र भी नहीं जा सकती या ध्यान भी नहीं जा सकता हमारे हृदयों में डाली जाती है और वो बात है कंप्यूटर का जो डिजिट है ये आप सब जानते हैं कि वो सिक्स से रिलेटेड है सिक्स 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 उसका डिजिट उस वो बेस है कंप्यूटर का बेस है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आंकड़े या जितने भी कैलकुलेशन हैं उसका वो आधार है उसका कैसा उपयोग हो रहा है तो आपको ये बहुत साफ साफ समझ जाए आ जाएगा कि छः क्या उपयोग करने जा रहा है यानी छः क्या है ये अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अभी हमने होशे चौदह इसीलिए पढ़ा है कि इस समझे इस बात को तो कैप्शन एक हिस्सा होता है वीडियो में जो सारी लैंग्वेज को अनुवाद करके आप अपने अनुसार उस लैंग्वेज को सुन सकते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है ऐसा लगेगा ना ये कितनी ख़तरनाक हो रही है अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी लोगों में वाद विवाद हो रहे थे वर्जन के अनुसार कि ये कौन सा संस्करण है नहीं ये तो इतने सारे संस्करण विरोधी किस तरह अटैक करा था ये अगर देखेंगे तो डिबेट में आपको पता चल जाएगा जो मसीह विरोधी जो बाइबल पे प्रश्न पैदा करते हैं वो किस तरह के करते हैं अब वो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया वो हिस्सा हा? पर क्योंकि जब उनकी जड़ें हिलने लग गई जो है ही नहीं आभास है तो उनसे पूछा गया तुम्हारी ओरिजिनल किताब हमारे पास तो इसके पूरे जो प्राचीन तमाम एविडेंस मौजूद हैं चाहे आप कितना ही बाइबल को जला दो नाश करने की कोशिश करो पर वो हैं वो हमेशा रहेंगे और वो कभी नहीं बदल सकते इस हिस्से में पूरी कोशिश की गई पर ये अंत के समय में अब जो कंप्यूटर के द्वारा कैप्शन का उपयोग जो हो रहा है तो सब एक भाषा बोलने लग गए कंप्यूटर ने आपको एक भाषा बना दिया चाहे वो दुनिया के किसी कोने की कोई भाषा बोल रहा हो आप उससे बात कर सकते हैं वो आपको समझ सकता है इट मींस क्या हुआ कि ये बड़ा भलाई का काम हो गया नहीं यही ख़तरनाक हो गया कि जो हमको आसान लगने लगा कि नहीं चलो इस भाषा में हम ऐसा ऐसा कर लें वो उसके पीछे छिपा हुआ जो मकसद है क्योंकि अगर कैप्शन में जो आपके सामने लिख कर आ रहा है स्क्रीन पर वो अनुवाद मान लीजिए कि इंग्लिश का वीडियो चल रहा है और कैप्शन में ऑटो ट्रांसलेट में डालकर हिंदी हम उसका क्या बोल रहा है सुनना चाहते तो एक टैक्स नीचे हिंदी का स्लाइड चलेगी तो क्या वो सही अनुवाद है आज जब पुरातन समय से प्राचीन समय से हिब्रू का तोरा का अनुवाद अच्छी रीति से न इंग्लिश में हो पाया ना हिंदी में हो पाया कई तरह के लोग बैठे रहे उस समय के जो लोग थे उसमें जो जो लोग थे अगर उनको चेक करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग भी ट्रांसलेशन में शामिल हुए थे जो दुष्टता को दिखाते हैं बाइबल में क्यों अल्लाह जैसे शब्द समावेश हुए क्योंकि एक इस्लाम को मानने वाला वहाँ था अगर इसका पुराना निकालेंगे तो ये क्या था वो एक कोड़ वहाँ पर था जो अपना एक वो हिस्सा डाल के सब उसमें एग्री हो गए थे नहीं वो तो ठीक है आज जैसे बोलते हैं ना कि <laughs> जाना एक है रास्ते बहुत है नहीं 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 मार्ग सिर्फ एक है प्रभु यीशु और सत्य वही है और अनंत जीवन उसके द्वारा है बाकी ये भरमाया गया जो लोगों के द्वारा फैल रहा है वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं कि इसको अच्छे से समझ लें कि शैतान कौन कौन सी बातें डाल देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कब पता चलेगा वो बीज का उदाहरण देखिए जब सब सो रहे थे तो वो अपने कड़वे बीज बो के चले गया खेत में ये कड़वे बीज बोए जा चुके हैं सौ प्रतिशत और उसका प्रमाण है कि आप उनके साथ एक भाषा हो रहे हैं और ये एक भाषा निमरोद ने स्वर्ग तक सीढ़ी का रास्ता बनाने की कोशिश की थी जैसे सरल तरीके से स्वर्ग में पहुंच जाना चाहते हैं उपास प्रार्थनाओं से मन्नतों से अच्छे काम से और सारी चीज़ों से नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं प्रभु यीशु के लहू के बलिदान उसका मारा जाना गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना हमारे पापों के लिए जब तक हम अंगीकार नहीं करते कि सचमुच में हम मृत्यु के अधीन थे अधर्म पाप श्राप के अधीन थे अब हम मुक्त हो गए हैं यीशु में हमने जीवन पा लिया तो जब हम अंगीकार करते हैं तो सर्वशक्तिमान जिसकी सब आधीनता में है हम इफीसियों देखते हैं ना एक एक किस मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये हमें याद रहना चाहिए सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिरोमणि ठहराकर कर कलिश्या को दे दिया यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है सब कुछ पूर्ण पूर्ण करने का अधिकार हमारे जीवन में और इसीलिए आज हम इस बात को सुन पा रहे हैं या मैं कह पा रहा हूँ ये परमेश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं था और बहुत आसानी से जैसे हमने पाप को पिछले वीडियो में अभी आप सुनेंगे कहा है कि पाप लोगों के लिए फैशन हो गया है पाप का अस्तित्व खत्म हो गया है पाप साधारण बात हो गई है कोई संकोच नहीं है और जिसमें हमारा विवेक गवाही देता था कि ये नहीं करो वहाँ पर सब कुछ सुनने हो गया है और तमाम प्रकार के संसार में कार्य हो रहे हैं और पाप एक ऐसी ऐसा शब्द बन गया बनते जा रहा है और मैं कहूँगा बन गया है जो इंसान के मस्तिष्क पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं छोड़ता कि इंसान पाप करने से डरे झूठ बोलने से डरे कुकर्म अधर्म व्य विचार करने से डरे चोरी करने से डरे तो ये झूठ का जो और ये तमाम शैतान का कारोबार कितने शानदार तरीके से आजकल बड़े बड़े स्टेजों पर कितनी गंदी भाषा का प्रदर्शन जिसे दुभाषिया बोलते हैं जिसका अर्थ ही गंदी तरफ जाता है कहने में संकोच नहीं होता और लोग ताली बजाते हैं हंसते हैं कि क्या शानदार बात है उनको उत्साह आता है शरीर में उत्तेजना आती है डीजे सुनते हैं तो कैसा लगता है ना धक् धक हाँ बिल्कुल 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 क्या है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो दुष्ट की फ्रीक्वेंसी संगीत को भी जानिए आप दुष्ट के जो संगीत हैं कैसे फैल रहे हैं और ये सब कौन से माध्यमों के द्वारा हो रहा है और कितनी बड़े तादाद में हो रहा है पर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़ा नाम दिया गया है फ़िलीपियों दो में आ, मुझे अच्छा लगता है आ, फिलीपियों मैं पढ़ देता हूँ ये तो बोलना बहुत सारा पर मुख्य बात तो मैंने आपको कह आ, कह दी है वैसे कि अगर इसको समझते हैं तो ये कितना बड़ा एक भयानक षडयंत्र का जाल मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए और उसके बाद चिप तो है ही और चिप के अलावा अभी भी आप उस रेडिएशन के कंट्रोल में हैं जिस टावर से आप संबंधित हैं क्या सोच रहे हैं कि जो सोचा जा रहा है जब उस पर इन्वेंशन हो गया कि हमारी तरंगों को भी समझा जा रहा है इस सब पर रिसर्च हो रहा है क्योंकि ये मेरा साइट था मैं बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है इतने एडवांस लेवल पर अभी तो सिर्फ आपका फोन से लोग देख रहे थे पैगासस और दुनिया भर के अब मैं ये सच है पर अब आपका मस्तिष्क तरंगे को भी विदाउट कोई एक्पमेंट वातावरण से ले लिया जा रहा है ये जो हवाएं हैं वातावरण हैं ये तरंगे जो चलाती हैं इसको इसको समझने के लिए उनका उन लोगों ने एक हद तक सफलता पा ली है जो इस पे काम कर रहे हैं और वो कोई आ, कैसे लोग होंगे आप जान रहे हैं ना जैसे एआई वाला सेक्शन इस समय निकल के आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और लोग उस तरफ किस तरह अपनी सारी चीज़ें उस पर निर्भर होकर उससे कराने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे शब्द हैं जी तो आता नहीं वो एस ई ओ करना ये यूट्यूबर करते हैं दुनिया भर के वो टाइटल और जिस सारा कुछ रहता है उसका एल्गोराजम और दुनिया भर के ये मुझे नहीं आता मुझे सिंपल आता है कि हाँ बस आप सुनिए ख़त्म और उसके अलावा मेरे को कोई और उसको आगे कहाँ वहाँ पवित्र आत्मा ले जाएंगे मुझे मालूम पर लोग एआई के थ्रू वो कौन कौन सी चीज़ें उसको चेक करेंगे और उसके अनुसार सारी चीज़ें फॉलो करेंगे उसकी आज्ञा के अनुसार करने की कोशिश बिल्कुल ये तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और जब उसको फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स क्या है ये ये बहुत अच्छी तरह साफ साफ समझा जा सकता है कि कितना भयानक तरह से जहर मीठा जहर डालने की कोशिश की जा रही है जो पता भी नहीं चलेगा और सामने एक लुभावना लालच है पैसा ख्याति पहचाना जाना बिल्कुल आप जाने पहचाने जाएं पर किस में पहचाने जाएं यही तो होशे चौदह में हमने शुरुआत की कैसा देख रहे हैं आप प्रभु की स्तुति करने वालों को कैसे देख रहे हैं जो सचमुच में स्तुति बढ़ाई और महिमा कर रहा है उसके लिए वही काम तो नहीं कर रहे जो मिकेल ने किया था क्या किया था मिकेल ने याद आया क्या दाऊद के साथ और ये करने वाले वो करने वाली निसंतान रह गई थी कहने का मतलब क्या है निसंतान बांझ हो जाना क्या मतलब था सारे तालुकात ख़त्म हो गए थे दाऊद ने मुंह नहीं देखा था तो क्या मतलब है इसका हम देख लेते हैं दूसरे सामियल में जब इस तरह से लोग देखते हैं टीका टिप्पणी करते हैं उनके लिए मैं आगाह कर दे रहा हूँ कि परमेश्वर की सच्चाई से जो साहस से ऐसे वातावरण में जहाँ पर मसीह विरोधी नाश करने को तैयार है आपको तो ये भी पता नहीं कि कब किस तरह से ये जो दुष्ट हैं मेरे अंत करने के लिए कैसे कैसे प्रयास शुरू से करे गए और प्रभु ने बचाया मैंने कुछ नहीं करा मुझे नहीं मालूम पर निश्चित जहाँ ज्वेलस है ये सारी चीज़ें हैं परमेश्वर जब अपने लोगों को रखता है चाहे मैं कुछ भी ना हो पर निश्चित जानना पहचानना ठीक है थोड़ी सी है मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हाँ मैं तेरी देवड़ी में ही रह लूँ पर मैं तेरे पास रहूँ हाँ सब एंट्री करिए स्वर्ग में बहुत अच्छी बात है मैंने ऐसे कोई तीर नहीं मारे हैं मैंने इतने मैंने मुझे कोई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं की आप सब जितने प्रभु में कर रहे हैं वर्ल्ड में उनसे सबसे ज़्यादा पापी मैं रहा हूं हर बात में और मैंने समझाया और माना है पर अब उसका मुझ में कोई अधिकार नहीं आप एक वीडियो सुनेंगे जो बहुत पहले से रिकॉर्डेड है कि संसार का सरदार जो है वो उसकी पहचान बताई है जिस तरह ये पहचान बता रहा हूँ उसकी पहचान बताइए हो सकता है कि ये चीज़ें मैं नहीं जानता कि कैसे लेंगे पर इतने सारे सब बहुत सा विषय होता है और सोचिए मैं बहुत निर्बल हूँ पता नहीं क्या हूँ हो सकता है बहुत गलती हो जाती होगी हो सकता है दो दो बार रिपीट हो जाता होगा तो आप ध्यान नहीं देना मुझसे ऐसी हो जाती हैं क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम रहता जिस समय मैं बैठता हूँ पवित्र आत्मा उस समय हाँ मैं मैंने हमेशा चाहा है कि जो भी शब्द हो मेरे द्वारा कोई ठोकर ना खाए ईशु के नाम और निश्चित मैं आखिरी में का आखिरी हूँ जैसे पौलुस ने मैं तुलना भी नहीं कर रहा हूँ ये मैं समझ लेना जिसके आसपास कुछ नहीं है वो तो यही आस रखेगा ना कि इस संसार में तो हो गया प्रभु ठीक है पर तेरे तमाम लोगों के बाद आखिरी में मुझे रख लेना मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए है कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ तेरे वचन की सच्चाई के कारण मैं ये तेरे से आग्रह कर रहा क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि सचमुच में जो मुझे करना चाहिए था वो ही मैंने करा जे मैं मान के चलता हूँ कराने वाला डेफिनेटली परमेश्वर है पर हम बहुत जगह चूकते हैं हम इंसान हैं और निर्बल हैं तो वो हरकत पे चल रहे हैं अपन दूसरा शामियल पाँच देखते हैं बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि वो से चौदह को हमेशा याद रखिए कि वो क्या समझाना चाह रहा है ये हम देखेंगे देखिए मैं बीस पढ़ता हूँ पाँच का बीस तब दाऊद बाल पराशिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा तब उसने कहा यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल पराशिम रखा बाल पराशिम का मतलब है कि यहोवा जल की धारा की तरह टूट पड़ा जल की धारा आज आप समझते होंगे कि जल की तेज धारा से आप किसी भी धातु को काट सकते हैं आपने देखा होगा कि पानी की धारा से काटा जाता है किस तरह से ख़त्म हुआ उस समय नहीं समझा गया होगा कि पानी बाल पराशिम का मतलब क्या है पर इसके बाद क्या हुआ ये विजय करके आ रहा है दाऊद और एक चीज और समझ लिए। दाऊद जब शाऊल के डर से भागा था और बहुत जगह गिर रहा था तो उसके साथ जो 400 लोग थे ना वो डाकू लोग थे डाकू की गेंग थी वो इसको कैसे लेंगे बाइबल में ये स्पष्ट लिखा है कि ऐसे लोग उसके साथ युद्ध में थे ये बहुत साफ है अभी हम नहीं जा रहे हैं उधर पर आगे थोड़ा सा देखते हैं वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए मतलब जब ये सब कुछ हो गया विजय हो गई आगे क्या होता है देखिए है ना फिर हम बीस से देख लेते हैं छः का तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी बहुत ध्यान से सुनिएगा है ना ऐसी मिकेल बहुत हैं वो पुरुष स्त्री कोई भी उस दुष्टता की शिकार जो प्रभु के लोगों पर टीका टिप्पणी करती हैं एक एक चीज जो प्रभु के दास कर रहे हैं अपने प्राणों को सामने रखकर मैं उन की बात कर रहा हूं जो सच्चाई से परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहे हैं वो पहचाने जाते हैं मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है और जो जहाँ जहाँ पर है वो देख रहे हैं और अगर नहीं देख पाए तो अब तो वो देखेंगे साफ साफ देखेंगे इश्यू के नाम में कि फ़लाना जो हमारी अगवाई कर रहा है वो वाले कैप्शन का शिकार तो नहीं है एआई का शिकार तो नहीं है हाँ और कहने लगी आज इसराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था देखिए किस तरह के व्यंग हैं ये है ना और जवाब भी सुनिए इस तरह के व्यंग करने वाले बिल्कुल हैं मैं मानता हूँ और प्रभु के दासों पर इस तरह की टीका टिप्पणी करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ उन सच्चे लोगों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझ पर कितनी टीका टिप्पणी करो मुझे जवाब देना आता है मुझे हर रीति से जवाब देना आता है क्योंकि अब मेरे गिनती के दिन रह गए हैं मैंने मांगा है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे पर यह बात जान लो कि आपके बाल बच्चे और घर के बुजुर्ग और तमाम पूरा परिवार बच जाए कि उन चक्करों में मत फैल फंसो जो इतना बड़ा षड्यंत्र लेके आपके सामने आ रहा है अभी पाप पत्र के बारे में सुने होंगे अच्छा नहीं लगा होगा हटा दिए होंगे ये सब इन बातों से जुड़ी हुई है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाना हैं जो आप पहचान भी नहीं सकते जैसे आज डुप्लीकेट नहीं पहचाना जा सकता जब तक बताया ना जाए इतना और ये जो छः आप वही नंबर और ये मैं कंप्यूटर का नंबर बता दिया जो कंप्यूटर के जानकार हैं उसके बारे में जानें और समझें अभी एक मरा है वो हिग्स बोसोन जो गार्ड पार्टिकल की बात कर रहा था और जिसपे काम चल रहा था अभी अभी तो जो साइंस से जुड़े हुए हैं लोग जानते होंगे और ये बात जो मैं कह रहा हूँ इससे अगर वो समझदार है तो समझेंगे कि कितना समय मुझे पवित्र आत्मा के साथ ये सब कुछ उन्हें मुझे सिखाया और कौन कौन से क्षेत्र में रखा और आज मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि मैं आखिरी में क्या आखिरी और सिर्फ उसकी देवड़ी में रह सकूँ तो उसका मतलब होता है कि उस हम पर दया हो गई है और बार बार ये समझ लीजिए कि पाप के बारे में जो मैं बता रहा था और लोग उसके लिए साधारण सी बात हो गई है हर निर्लजता आपके लिए साधारण बात हो गई है बिल्कुल हो गई है हर शॉर्ट कुछ भी पहनना ओढ़ना कुछ भी करना और दुनिया भर का ये जमाने में कर रहे हैं क्योंकि पाप भूल चुके हैं क्रूस दिमाग में है ही नहीं कहने के मसीह हैं अगर क्रूस दिमाग में होता क्रूस उठाए हुए होते तो ये पाप का जो नंगा नाच है जो विचारों से योजनाओं से लोभ लालच से अभिलाषा और लालसा से ओतप्रोत है इसी कारण कई का बीमार है और कई मरने वाले हैं क्योंकि क्या जन्म देता है पाप किसको जन्म देता है अभिलाषा किसको जन्म देती है तो अब पाप पाप नहीं लगेगा आपके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं ना गुड एविल इज़ गुड एविल विल ए विल गुड हाँ ये अर्थ मिलने लगेंगे बहुत जल्दी मिलने लगेंगे पर यहाँ क्या हुआ वो देख लीजिए वो लोगों के लिए सावधान होइए अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा और समझ में नहीं आता तो अपने अगवे को और अपने आसपास ऐसे लोगों को जो सच्चाई से मेहनत करके प्रभु के राज के लिए काम कर रहे हैं उनको पहचान लीजिए वो सचमुच में सब ऐसे नहीं हैं बिल्कुल घुस आए हैं मैं जानता हूँ पर जितने भी भले हैं और काफ़ी हैं मुझे गिनती की ज़रूरत नहीं है मुझे ये यूट्यूबर में ये सब कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हर दिन एक आत्मा बच रही है मेरे लिए काफ़ी है मेरी प्रार्थनाओं में निश्चित जब हम प्रभु के करीब होते हैं तो दुष्टता नाना प्रकार के शंका और से मीकल बना देती है अपमानित करने में और उसका क्या हुआ कि आखिरी में देख लीजिए दाऊद ने मीकल से कहा यह हुआ जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है उसके सम्मुख में ऐसा नाचा उसके सम्मुख में ऐसा नाचा जो मैं आप आपके सामने बोल पाता हूं उसके कारण कि वो सबको जो मसीह जगत के लिए उसने अपना बेटा दे दिया और ये स्तर पर वो सबको पहुंचा दिया नौकरी पाना व्यापार खेत बाड़ी बाल बच्चे और चानों शौकत सबसे भर दिया उसके बाद भी सब ऐसा कर रहे होंगे मैं नहीं जानता पर जो कर रहे होंगे वो सुन लें ध्यान कर लें कि क्या होने वाला है कुछ भी नहीं रहने वाला है ऐसी चीज़ों का अध्ययन कर लें दाऊद ने जवाब दिया और उसके बाद निकल का सारा कुछ खत्म हो गया वहाँ से लाइन खत्म हो गई तो अपनी अपनी लाइन मत खराब खत्म करवाओ क्योंकि दुष्ट इसी प्रयास में इतनी तरह की भ्रांतियाँ और विवाद ये कल्टों के द्वारा अब अपने पूरे पूरे सवाब पर ये बातें आपके सामने कंप्यूटर के द्वारा इस तरह आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते आप ये मानेंगे नहीं बिल्कुल एआई ने बताया हंड्रेड परसेंट होगा मशीन ने बता दी है वो हंड्रेड परसेंट होगी मैंने जब बाइबल के संबंध में कई क्वेश्चन करे तो हड़बड़ा गई वो जी और वो कितनी कितनी है ना मैंने उनमें चेक कर लिया कि उनको कौन सी कहाँ से ये डाटा लेके कौन सी शिक्षाएं ले रहे हैं तो ये खतरनाक है जो एलुमिनार्टी से रिलेटेड है फ्रीमेंसन से रिलेटेड है ये ऐसी संस्थाएं हैं ये कुछ ऐसे अड़तीस देश हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं जी जो वर्ल्ड को बहुत बुरी तरह अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं पर हमें चिंता नहीं करनी है हमें तो फोकस करना है उससे और ये सब बातों के लिए जगह ऐसा कुछ हो रहा है तो बाल पराशिम परमेश्वर जल की धारा की तरह इन पर टूट पड़ेगा और काट के रख देगा और समाप्त कर देगा जैसे जल प्रलय में किया था तो उसका हर काम एक बात याद रखिए कि वो पाप को आपके स्मृति पटल से याददाश्त से वाश कर देना चाहता है कि वो कुछ नहीं है और सचमुच में अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो कितना लाइट लेने लग गया है आप खुद सोचिए एक इंसान कितना आसान नहीं 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 कोई नहीं हो गई गलती ठीक है बच्चों से लेकर बहुत बढ़िया नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है मैंने सुने हैं। बहुत समय सब व्यविचार की संतान बनकर जिस तरह से कर रहे हैं क्यों ऐसा अच्छा लग रहा है शरीर की अभिलाषा शैतान ऐसा चाहता है और ख़ासकर मसीही जीवन में जिन्होंने उन्होंने मसीह को स्वीकार करा है उन पर ऐसे आक्रमण होने हैं और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि इस बात को जाने समझे प्रार्थना में रखें आपके समझाने से नहीं होगा वचन की सच्चाई बताएं क्योंकि बनाने और बिगाड़ने वाले घर के ही लोग होते हैं जो औलादों को बनाते और बिगाड़ते हैं कोई दूसरा नहीं करता और यहाँ मैं अनुशासन या किसी चीज़ को सिखाने के नहीं परमेश्वर के वचन की सामर्थ दुष्टता के हर युक्तियों को नाश करने में सक्षम है आपके प्रयास से नहीं होगा क्योंकि हर घर का बच्चा बाहर घूमने जाता है लोगों से मिलता है उसकी अपनी कंपनी है और वो कमज़ोर है और हर बच्चे की इच्छा होती है वो स्वाभाविक जिज्ञासा में वो जानना समझना चाहता है और वो बुरी बुरी बातें गंदी गंदी बातें अब पाप नहीं समझी जा रही जो एक समय लोग सुनना पसंद नहीं करते थे देखना पसंद नहीं करते थे उसी तरह से अब ये अगला कदम आप इन चीज़ों को चेक करिए कि कैप्शन के चक्कर में ना फंसीए वो अनुवाद के चक्कर में विवाद कहीं चल रहा है तो इसको समझ जाइए कि ये यहाँ से निकला हुआ है और ये इस तरह का जहर घोलने के लिए तैयार है आपके आसपास जो बात होगी क्योंकि ये हवाएं जो हैं जो इकट्ठे होते हैं बहुत सारे लोग किसी मकसद से वहाँ पर पचासों बातें होती हैं और जो निकलती हैं उससे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है तो ये काफ़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है बाल पर ऐसे नहीं भूलिएगा और निश्चित मीकल जैसे हाल लोगों के होने हैं तो उसमें बचिए और इन चीज़ों पर नज़र रखिए आजकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ जानते समझते हैं तो इसमें चेक करने की जगह हमें मालूम हो चुका है और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सब एक भाषा बोलने वाले होते जा रहे हैं एक भाषा एक भाषा ज़्यादातर हो चुके अब उनके लिए भाषा भेद नहीं रहा तो वहाँ पर सैतान क्या क्या उनके स्मारक बनाएगा निमरोद तो एक ही बना रहा था अब निमरोद जैसे तो करोड़ों अरबों खड़े हो गए हैं पर जो सबसे कमज़ोर होगा वो दाऊद जैसा होगा क्योंकि परमेश्वर उसके लिए बाल पराशिम रहेगा इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने से अच्छा है उससे लिपटे रहना उसके क्रूज के साथ रहना जिससे वो हमेशा के लिए जो हमारे जीवन का आधार है जो हमें पूरी बातें दिखाता है समझाता है उसको वो कैसे धूमिल करना चाहता है स्मृति से क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए आपने सुना है पर क्रूस की कथा अगर मनुष्य के हृदय से वाश कर दी जाए तो पाप अपने आप खत्म हो गया और शैतान मस्त काम करेगा मतलब मृत्यु के लिए बलिदान का औचित्य नहीं रहा कि यीशु ने जो बलिदान दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है अगर हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो पाप ये चारा है दुष्ट चारा है कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है माहिर शातिर पर परमेश्वर का वचन सच्चा है और ये पूरी तरह मैंने ऊपर से नीचे तक उसके मानने वालों को उसके जानने वालों को और वो गिरे हुए एक एक तिहाई को पूरी तरह से नंगा कर दिया है ईश्व के नाम में ये मैं मानता हूँ आप भी करिए